मुंगेली का एक गांव ऐसा भी है जहां बच्चों को स्कूल भवन तक नसीब नहीं हो रहा है। स्कूल के बच्चे सर्दियों में भी पेड़ के नीचे बैठकर पढ़ने के लिए मजबूर हैं और प्रदेश सरकार शिक्षा के लिए करोड़ों रुपए पानी की तरह बहा रही है। देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। अधिकारियों की लापरवाही का खामियाजा भुगतने को मजबूर है मासूम। जी हाँ, 3 सालों से पेड़ के नीचे बैठकर पढ़ रहे हैं बच्चे। शिकायतें तमाम की गयी लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। ये तस्वीरें हैं मुंगेली जिला मुख्यालय से महज 7 किलोमीटर दूर ग्राम जमहा के शासकीय प्राथमिक शाला की। स्कूल के छात्र छात्रा 3 सालों से मौसम की मार झेल रहे हैं। कड़ाके की ठंड हो या तपती धूप, इन मासूमों को पेड़ के नीचे बैठकर शिक्षा लेनी पड़ती है। हालांकि बरसात के दिनों में स्कूल के सभी 111 विद्यार्थियों को एक कमरे में ठूस ठूस कर बैठा दिया जाता है। ऐसे में स्कूल की पढ़ाई के स्तर का अंदाजा लगाया जा सकता है। स्कूल भवन की हालत ये है कि दीवारों पर जगह जगह दरारें पड़ गई हैं, स्लैब अपनी जगह से खिसकने लगी है, बरसात में पानी टपकता है, कभी भी भवन गिर सकता है और कोई बड़ा हादसा भी हो सकता है। इस मामले में ग्राम पंचायत के युवा सरपंच का कहना है कि हमारे द्वारा शिक्षा विभाग और जिला प्रशासन को अवगत करा दिया गया है लेकिन अभी तक इस और किसी ने भी ध्यान नहीं दिया। ये तो स्कूल वैसे 4 साल पहले का है, ये जर्जर स्थिति में था। हमारे प्रधान पाठक ने भी शिकायत किया था, मेरे द्वारा भी 2-3 बार जिला शिक्षा अधिकारी और ब्लॉक शिक्षा अधिकारी को अवगत कराए थे। उन्होंने बोले थे कि पास हो जाएगा करके, लेकिन आज तक नहीं हुआ। बच्चे अभी तकरीबन 2-2.5 साल हो गया बाहर में ही पढ़ रहे हैं, फिर अलग से व्यवस्था करवा के उन लोग को फिर अतिरिक्त कक्षा वहाँ जहाँ क्षमता नहीं है वहाँ बैठा के बरसात में पढ़ाई कराए थे अभी बीच में, और बच्चे बहुत है जिसके नाम से बैठ नहीं पाते, इसलिए अब पेड़ के नीचे ही बैठ रहे हैं। प्रदेश सरकार की इस महत्वपूर्ण शिक्षा व्यवस्था पर अधिकारी ही पानी फेर रहे हैं। पिछले 3 सालों से छात्र छात्रा मैदान में पेड़ के नीचे बैठकर पढ़ रहे हैं और अनेकों बार लिखित शिकायत की गई, लेकिन सालों बीत जाने के बावजूद कोई कार्रवाई नहीं की जा रही। जिला शिक्षा अधिकारी से खुद IND24 ने जब बात की तो उन्होंने कार्रवाई का भरोसा जरूर दिया। उसका मरम्मत का प्रस्ताव प्राप्त हो गया है, उसको आपदा प्रबंधन मद से प्रस्तावित किया गया है, जैसी राशि प्राप्त होगा मरम्मत की कार्यवाही करेंगे। प्रस्ताव हमको मिल गया है और अगर आवश्यकता होगी, मरम्मत योग्य नहीं है तो वहाँ पे नया भवन प्रस्तावित करेंगे। भले ही शिक्षा के स्तर में सुधार लाने के लिए प्रत्येक गांव में प्राथमिक शाला, हर 3 किलोमीटर में माध्यमिक शाला और 6 किलोमीटर में हाई स्कूल खोला गया हो, लेकिन स्कूल भवन की कमी और शिक्षकों के अभाव में शासन की योजना सिर्फ कागजों तक सिमट कर रह गई है। फिलहाल अब देखना होगा कि देश का भविष्य कहे जाने वाले इन नौनिहालों की दशा और दिशा कब तक सुधर पाती है। IND24 के लिए मुंगेली से नीलकमल सिंह की रिपोर्ट। जी हाँ, तो एक तरफ तो शिक्षा विभाग के अधीन सरकारी स्कूलों को हाईटेक करने की बात की जा रही है, तो दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो कई प्राइमरी और माध्यमिक स्कूल ऐसे हैं जो भौतिक संसाधनों के अभाव में जर्जर भवन या फिर बाहर पेड़ के नीचे बैठकर पढ़ने के लिए मजबूर है। वही बात अगर शिक्षा विभाग के अधिकारियों की जाए तो ऐसा नहीं है कि उन्हें जानकारी नहीं है, जानकारी है, लेकिन बावजूद इसके कि आखिर इन मामलों में कार्रवाई करे तो करे कौन। खैर, ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता नीलकमल ठाकुर फोन लाइन पर मौजूद है। नीलकमल, सबसे पहले जानना चाहेंगे, चाहे मध्य प्रदेश के सरकारी स्कूलों की बात कर ली जाए या फिर छत्तीसगढ़ राज्य की, अंतर कुछ ज्यादा नहीं है, हालात सेम दिखाई दे रहे हैं। आखिर अगर यहाँ पर जमहा प्राइमरी शाला की अगर यहाँ पर बात की जाए तो क्या कुछ स्थितियां यहाँ पर बनी हुई हैं और कितने वक्त से? जी मोनिका, बता दूं ये पूरा जो मामला है नवागांव पंचायत की, मतलब जमहा प्राइमरी स्कूल की है, जहाँ पे वहाँ के छात्र 3 साल से पेड़ के नीचे पढ़ने को मजबूर है। और इसकी मतलब जानकारी सभी अधिकारी और सभी शिक्षा विभाग को है कि 3 साल से बच्चे पेड़ नीचे पढ़ने को मजबूर हैं, मगर आज 3 साल गुजर जाने के बाद भी उस स्कूल की सुध किसी अधिकारी ने नहीं ली है। और जब इस बात की वो तब ऐसा बात भी नहीं है कि वो इसकी शिकायत नहीं की, इसकी शिकायत वहाँ के सरपंच द्वारा कई बार जनपद, जिला कलेक्टर,
जहाँ भी हुआ सब पे जो है उसने गुहार लगा चुके हैं कि स्कूल तो जर्जर हो चुके हैं, वहाँ के बच्चे जो पढ़ रहे हैं वो खतरे की स्थिति में है, वो स्कूल को सुधवा जाए फिर नए स्कूल के निर्माण किया जाए। लेकिन आज तक 3 साल हो गए कोई भी अधिकारी इस बात की सुन लेने की ये नहीं की कि वहाँ पे बच्चे किस स्थिति में पढ़ रहे हैं, कैसे पढ़ रहे हैं। और जब भी मतलब तो 12 महीने में ठंड पड़ता है, गर्मी है, बरसात है, सभी बच्चे पेड़ के नीचे ही बैठ कर पढ़ने को मजबूर है। जब बरसात होती है तो उन्होंने एक ही क्लास में एक ही रूम है उसी में सभी 1 से लेकर 5 तक कक्षाओं को विद्यार्थियों को बैठा दिया जाता है, इससे अंदाजा लगा सकता है किस तरह की वहाँ पढ़ाई हो रही होगी। नीलकमल जी, सेंस आपने बताया 3 साल से इसी तरह के हालात हैं कि बच्चे बाहर बैठकर पढ़ने के लिए यहाँ पर मजबूर हैं, पेड़ के नीचे यहाँ पर कक्षा लगाई जाती है, कहीं ना कहीं काफी परेशानी का सामना ये बच्चे जो है, जो पढ़ने वाले बच्चे हैं, उनको करना पड़ रहा है। जिस तरह से अगर यहाँ पर बात सरपंच की जाए या शिक्षकों की जाए, उनके द्वारा लगातार शिक्षा विभाग के अधिकारियों को अवगत कराया गया है, लेकिन इस संबंध में आपसे जानना चाहेंगे क्या क्या आपकी शिक्षा विभाग के अधिकारियों से बात हो पाई इस संबंध में, क्या कुछ कहना था उनका? जी, हमने जब तो शिक्षा अधिकारी एन के चंद्र से बात की तो उन्होंने यही कहा कि नहीं हम लोग उसकी हमारे पास शिकायत आ चुके हैं, हम बहुत जल्द उस पर नया बिल्डिंग बना देंगे या फिर उस जो जर्जर भवन है उस पर मरम्मत कार्य करवा जाएगा। लेकिन आज तो 6 महीने से ऊपर हो चुके हैं उसकी शिकायत के हुए, लेकिन अभी तक उसमें किसी भी तरह की कोई कार्रवाई नहीं की, ना ही किसी मरम्मत का कार्य करवाया गया। तो इससे साफ जाहिर है कि वो अपना पल्ला मतलब झड़ने के लिए उस तरह से उन्होंने बात की है, लेकिन कार्य नहीं किया गया है। जी चलिए, रोकेंगे नीलकमल आपको यहाँ पर। हमारे साथ सूरज जो अभिभावक है वो हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सूरज जी, स्वागत है आपका। नमस्कार मैडम। सूरज जी, 3 साल से यही हालात बने हुए हैं कि बच्चे पेड़ के नीचे बैठकर पढ़ाई करने के लिए मजबूर हैं, हालातों में कहीं सुधार नहीं हो रहा, शिक्षा विभाग के अधिकारी सुनने के लिए तैयार नहीं है, क्या इस संबंध में आप लोगों ने, आप अभिभावक हैं, आपके बच्चे यहाँ पर पढ़ने के लिए पहुंचते होंगे, इस स्थिति में आप पढ़ने के लिए भेज रहे हैं अपने बच्चों को, तो इस संबंध में आपने वहाँ के शिक्षकों से या फिर अधिकारियों से बात करी? हाँ मैडम, यहाँ पर बहुत प्रॉब्लम है, स्कूल पूरा जर्जर हो चुका है, कभी भी यहाँ पर गिरने की संभावना बरसात के दिनों में तो सकता है मैडम। और बच्चे लोगों को बाहर में पेड़ के नीचे, जैसे कि बरसात के दिनों में जब बहुत सी बारिश आती है तो बच्चे को एक ही स्कूल में सभी को ठूक कर रखा जाता है और दूर पढ़ाया जाता है। और यहाँ अधिकारियों से भी बात किया हुआ, सरपंच के माध्यम से किया गया था, तो जिला शिक्षा अधिकारी से बात हुआ है मेरा, तो वो भी ध्यान अभी तक नहीं दिया है। जिस तरह से अगर बात की जाए सूरज जी, यहाँ पर बच्चे इतनी मुसीबत में पढ़ाई करने के लिए यहाँ पर मजबूर हैं, चाहे बरसात देख ली जाए, यहाँ पर सर्दी देख ली जाए, गर्मी देख ली जाए, सभी बच्चे जो है यहाँ बाहर पेड़ के नीचे पढ़ाई कर रहे हैं और 3 साल से यही स्थिति बन रही है। क्या आप अभिभावक हैं, सोच सकते हैं कि क्या आपके बच्चे जो यहाँ पर शिक्षा लेने के लिए पहुँच रहे हैं वो शिक्षा इनको मिल पा रही है ऐसी स्थिति में, वो ग्रहण कर पाएंगे ऐसी अच्छी शिक्षा? अच्छे शिक्षे यहाँ नहीं हो पाएगा, ऐसे में कहाँ हो पाएगा, है तो फिर भी बच्चे को एक साथ बैठाए जाते हैं, इसमें क्या अच्छे शिक्षा ग्रहण कहाँ हो पाएगा। लेकिन फिर भी आप भेज रहे हैं, तो इस संबंध में क्या आपने किसी जनप्रतिनिधि से बात करी कि यहाँ जो अभिभावक मिलकर के किसी जनप्रतिनिधि से बात करें कि इस आवाज को आगे रखा जाए, इस समस्या को आगे रखा जाए, अधिकारी आप लोगों की सुने और इस समस्या का निराकरण करें इसके लिए? हाँ मैडम, यहाँ पर यदि यहाँ पर अच्छे से कार्य को नहीं किया जाता है तो हम बच्चे के द्वारा सभी लोग जाकर, गांव के सभी लोग जाएंगे और बच्चे को लेकर या फिर शिक्षा अधिकारी से, कलेक्टर से घेराव करेंगे, तभी यहाँ पर कुछ हो पाएगा, वरना तो यहाँ तो स्कूल की तो संभावित है नहीं हो पाएगा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद सूरज जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। नीलकमल, आपने यहाँ पर एक अभिभावक का दर्द सुना, निश्चित रूप से वो भी काफी परेशान हैं, लेकिन मजबूरी है उनकी कि उन्हें यहाँ पर बच्चों को शिक्षा ग्रहण करने के लिए भेजना ही पड़ता है और बड़ी लापरवाही यहाँ पर शिक्षा विभाग के अधिकारियों की देखी जा रही है। लेकिन यहाँ पर अन्य सुविधाओं की अगर बच्चों को मिलने की बात कही जाए तो क्या वो सुविधा यहाँ पर बच्चों को मिलती नजर आ रही है? जी मोनिका, इसमें कोई भी सुविधा नहीं मिल पाई, तो इस बात का अंदाजा खुद लगा जा सकता है कि जहाँ पे स्कूल बना है वहाँ पे बच्चे पढ़ने के लिए जाते हैं, शिक्षा ग्रहण करने के लिए जाते हैं, लेकिन वही स्कूल आज जर्जर हो चुकी है, कभी भी वो गिर सकता है, कभी दुर्घटना हो सकता है, तो इस बात का अंदाजा लगा सकता है कि वहाँ पे अगर शिक्षा किस स्तर से पढ़ाया लिखा जा रहा हो, क्योंकि जगह ही नहीं है पढ़ाने के लिए जैसे कुछ भी चीज के लिए, तो वहाँ पे शिक्षा स्थिति देख खुद एक अंदाजा लगाया जा सकता है कि वहाँ पे किस तरह पढ़ाई हो रही होगी।
वहाँ सिर्फ फॉर्मेलिटी निभाया जा रहा होगा, क्योंकि पेड़ के नीचे क्या बच्चे पढ़ेंगे, और वो भी एक से लेके पांचवी तक, जहाँ पे 111 बच्चे हैं और 111 बच्चों को पढ़ा जा रहा है, तो इस बात से अंदाजा लगा जा सकता है किस तरह की पढ़ाई वहाँ पे की जा रही है और आपसे पढ़ाई हो रहा होगा। चलिए नीलकमल, आप हमारे साथ लगातार बने रहें, आपसे चर्चा जारी रहेगी। तो आप देख रहे हैं किस तरह के हालात यहाँ पर सरकारी स्कूलों में नजर आ रहे हैं। करोड़ों रुपए पानी की तरह बहाया जरूर जा रहा है सरकारी स्कूलों के उत्थान के लिए, लेकिन कहीं ना कहीं वो सुविधाएं यहाँ पर बच्चों को मिलती हुई नजर नहीं आ रही जिसका वे हक रखते हैं। फिलहाल यहाँ पर रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, ब्रेक के बाद जल्द लौटेंगे।